दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि जो गूगल का सर्च होता है एक्चुअली में वो वर्क कैसे करता है। आप जब भी कोई चीज़ गूगल पे टाइप करके सर्च करते हैं तो वो किस बेसिस पे आपको सर्च दिखाता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रवीण है, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो गूगल का सर्च है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। आप जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं तो कैसे आपको किस बेसिस पे आपको रिजल्ट दिखता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गूगल ने खुद एक ब्लॉग पोस्ट में सारी चीज़ें बताई है कि उनका जो सर्च प्रेडिक्शन है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। एंड उस ब्लॉग पोस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो जब आप कुछ भी कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेरीज हैं एंड जो ट्रेंडिंग क्वेरीज हैं उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है, ट्रेंडिंग मतलब जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, लेट सपोज आज सर्च कर रहे हैं तो आज के टाइम में उससे रिलेटेड, उस सर्च वर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही है उसके हिसाब से, या क्या क्या चीज़ें कॉमन सर्चेज में आ रही है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएगा। एंड गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट के बारे में ये भी बताया कि उनका जो सर्च रिजल्ट है वो केवल ट्रेंडिंग क्वेरीज पे ही बेस्ड नहीं होता है। इसके साथ साथ ऐसे दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें होती हैं जिसके बिहाफ पे आपको सर्च रिजल्ट दिखता है। पहला है लैंग्वेज एंड दूसरा है लोकेशन। लैंग्वेज मतलब यूज़र किस लैंग्वेज में सर्च कर रहा है, एंड लोकेशन मतलब कि वो कहाँ से सर्च कर रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं कि आपको क्या रिजल्ट दिखेगा। एंड इस चीज़ को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए गूगल ने एक एग्जांपल भी दिया है कि लेट सपोज दो यूज़र हैं, एक यूज़र है कैलिफोर्निया में एंड दूसरा यूज़र है ओंटेरियो में। दोनों ने सेम वर्ड टाइप किया है गूगल पे ड्राइविंग टेस्ट, एंड उनको जो रिजल्ट दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताई, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड गूगल ने इन तीन पैरामीटर्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, ट्रेंडिंग क्वेरीज, लोकेशन एंड लैंग्वेज। इन तीन पैरामीटर्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होती है आपकी जो भी सर्च प्रिडिक्शन होगी। लाइक इंडिया में अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं वही सेम वर्ड अगर कोई USA में सर्च करता है तो उसकी सर्च प्रिडिक्शन एंड आपकी सर्च प्रिडिक्शन में बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरी और वीडियोस को जाके चेकआउट करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही टैक्स रिलेटेड अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।